चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 4 साल बाद फिर हमें करेंगे, अडानी ने वे सारे गोदाम खरीद रखे, उन पर चौकीदारी करेंगे हमें 10-10 हजार रुपए में। जय जवान जय किसान, इस देश में नारा दिया था, किसान भी बर्बाद कर दिए और जवान भी बर्बाद कर दिए। इनका जो मेन मुद्दा है किसान को मारना है। सबको पता है किसान के बालक ही देश की सेवा करते हैं, किसी मंत्री या विधायक का बेटा देश की सेवा नहीं करता। जाके सीसे में आपका स्वागत है। आज हम जहां पंचायत हो रही है जिला शामली में, काबड़ोद गांव है, हमारे साथ कुछ नौजवान हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो विरोध कर रहे हैं आज इस योजना को लेकर। क्या नाम है आपका भाई साहब? विकास है। विकास भाई, क्या लग रहा है जो केंद्र सरकार की योजना है, क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि भाई पहली भर्ती थी वो आ नहीं रही, ये 4 साल की नौकरी करके क्या फायदा बता, 4 साल बाद क्या कर गया फिर, इसके बाद बताओ फिर। आर्मी के पद तो पद ही हो, तो मास्टरी के भी 97,000 खेली रह रही, उसकी 3-4 साल तो रोक रखी भर्ती, भी उसे बेचेगा उसका नंबर है क्या, फिर पुलिस को बेचेगा, सारी चीज बेचनी से तो सोपड़ा साफ करना। भाई को 10 साल हो लिया बराबर हमारी साथ, हमारे साथ बहुत पहले जब लोग पढ़ाई करा रहे थे, एक आर्मी का सुपना था, अब 4 साल हो लिए क्या करा बताओ। यू 11 साल में फौजी बेच दी और के छोटा गयो, इसका के मतलब है मैं बताऊंगा, इनने यो करवाया दिया भी जा, तो 4 साल बाद फिर हमें करेंगे, अडानी ने वे सारे गोदाम खरीद रखे, उन पर चौकीदारी करेंगे हमें 10-10 हजार रुपए में, बस यो रह जाएगा हमारा और कुछ नहीं रहने का, मानी अडानी के कुल नौकर रह जाएंगे हम, 10 हजार के चौकीदार रह जाएंगे और के नौकर के। योजना है अग्निपथ योजना है, आपको क्या लगता है इसका क्यों विरोध आपको? अग्निपथ नहीं, ये तो नाशपथ है। जय जवान जय किसान, इस देश में नारा दिया था, किसान भी बर्बाद कर दिए और जवान भी बर्बाद कर दिए, इसका एक ही उदाहरण है, जवान भी किसान का ही पुत्र है। पहले इन्होंने किसान बर्बाद किए और अब जवान बर्बाद कर दिए, जो देश का चौकीदार है ना, ये सभी चौकीदार बनाना चाहता है। अभी जो भर्ती भी करने की बात की है वो 25% की बात है, लेकिन जो 75% युवा बचेंगे जिनको अग्निवीर का एक मेडल दे दिया जाएगा, उनका क्या होगा? उनका कुछ भी नहीं होगा, घर पे बैठेंगे खेती करेंगे आगे। क्योंकि एक चीज बताओ, आप भी भाई पढ़े हो, ग्रेजुएशन करी, आपने सारी चीज करी, आप एक 10-12 के बाद कहीं 4 साल का आपकी पढ़ाई में गैप आ जाए, तो उसके बाद आगे तो आप पढ़ नहीं सकते दोबारा उस चीज के लिए, तो भाई ये तो बिल्कुल बेरोजगारी है, नौकरी देनी नहीं है, अपने घर बढ़ने, ये तो देश की सोचते ही नहीं है, इनके मुख्यालय पे आज तक झंडा नहीं लगा था देश का। क्या फिर से देश की जो सेना है उसको भी कॉर्पोरेट हाथों में देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल वही चीज है, इनका जो मेन मुद्दा है किसान को मारना है। सबको पता है किसान के बालक ही देश की सेवा करते हैं, किसी मंत्री या विधायक का बेटा देश की सेवा नहीं करता। जाके तो इनका मेन मकसद तो किसान को मारना है, किसान इनको ये हरा नहीं पाए शुरू में, उन्होंने शांतिपूर्ण ऐसे ही आंदोलन इसका भी होगा। जैन जी इस चीज को आवाज उठाए, किसान आंदोलन में भी अकेले नेता वे खड़े रहे, उन्होंने किसानों की आवाज उठाई, अब युवाओं के साथ भी अकेले जैन चौधरी खड़े हैं, और ये चीज सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। जिला शामली में लगातार युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ये पंचायत लोकदल द्वारा आह्वान की गई है, इन पंचायतों में यहाँ का युवा शामिल हो रहा है और अग्निपथ योजना का लगातार विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत से जुड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहे सीसे से। कलपति शर्मनाई तेरी की दिन ये दिन क्या है।